पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है। आज भी दो पालियों में सिपाही भर्ती परीक्षा हो रही है। 26 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। 31 अगस्त तक होने हैं पुलिस भर्ती के एग्जाम। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। तो आज भी दो पालियों में परीक्षा का आयोजन हो रहा है। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। केंद्र के बाहर भी तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन। वहीं पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर शिकंजा। 17 मुन्ना भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक प्रदेश भर में पेपर के दौरान गड़बड़ी के 15 के सामने आए। पुलिस परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे आरोपी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 17 मुन्ना भाइयों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है, जो दूसरों की जगह पर पेपर दे रहे थे। अब तक प्रदेश भर में पेपर के दौरान गड़बड़ी के 15 मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश भर में सिपाही भर्ती परीक्षा कराई जा रही, किसी भी तरह की कोई धांधली ना हो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। वहीं प्रदेश भर में पेपर के दौरान 15 केस में 17 मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए हैं। कानपुर में परीक्षा के दौरान नकल करते मथुरा के रहने वाले पवन चौधरी गिरफ्तार किया गया है। मऊ में अभ्यर्थी कुलदीप के स्थान पर सुमन परीक्षा दे रहा था, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देवरिया में भी दूसरे के नाम पर परीक्षा देने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। फिरोजाबाद में भी एक मुन्ना भाई दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आज तीसरा दिन है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी सुबह से ही पहुंचने लगे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पुलिस भर्ती परीक्षा जारी है। पुलिस भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है। अब तक दो दिनों में करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो चुकी है। ऐसे में तीसरे दिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के इस्लामिया इंटर कॉलेज, जहां पर आज भी भर्ती परीक्षा होनी है। देख सकते हैं आपके रोल नंबर वाइज यहां पर जो अलग अलग कमरे आवंटित किए गए हैं, इसके साथ ही साथ क्या क्या चीजें अंदर नहीं जा सकती उसके बारे में भी जानकारी यहां पर लगी हुई है। सुबह से ही आप देख सकते हैं कि तमाम छात्र यहां पर पहुंचे हुए हैं। जो लोग इस पुलिस भर्ती परीक्षा में भर्ती होने के लिए सपने सजोए हुए, तमाम छात्र यहां पर मौजूद हैं। अनाउंसमेंट के माध्यम से यहां पर जो तमाम अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको जानकारी दी जा रही है, किसी भी तरह की कोई समस्या अभ्यर्थी को ना हो यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स भी यहां पर सुबह से सुरक्षा की दृष्टि से मौजूद है। फिलहाल तीसरा दिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहां पर मौजूद हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। कहां से आए आप? अयोध्या से। किसी तरह की कोई दिक्कत सेंटर पर? नो सर, एनी नो डाउट एंड नो कोई। कुछ दोस्त भी होंगे आप लोगों के, कहीं से कोई ऐसी बात तो नहीं आ रही, कहीं कोई गड़बड़ी? अभी तक तो सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई ऐसी जानकारी। क्या क्या नाम है आपका? अमन यादव। अमन कहां से आए आप? जौनपुर से। जौनपुर से। कहीं कुछ समस्या, कोई दिक्कत अभी तक पुलिस भर्ती एग्जाम के दौरान? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सेंटर पर या कुछ दोस्त अगर बता रहे हो कि कुछ ऐसी ऐसा कोई दिक्कत नहीं अभी फिलहाल। तो ये आप देख सकते हैं कि जो तमाम अभ्यर्थी हैं इन सबका भी फिलहाल अभी यही कहना है कि किसी भी तरह की कोई बात अभी फिलहाल निकल करके सामने नहीं आई है। ऐसे में पुलिस की भी तमाम एजेंसीज उन तमाम सेंटर्स पर एसटीएफ और तमाम जो एजेंसीज हैं सुरक्षा की दृष्टि से सभी जगहों पर नजर बनाए हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से। इसके अलावा सेंटर्स पर भी अलग से फोर्सेस लगाई गई हैं जो उन तमाम अभ्यर्थियों पर नजर बनाए हुए हैं जो किसी भी तरह से गड़बड़ी कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। अम्बेडकर नगर पुलिस ने फोन कॉल की रिकॉर्डिंग के सहारे 3 महीने के